नमस्कार, सियासी तलछट में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय वर्मा। तो देश की सियासत में अब राजनीतिक दलों ने अपनी आइडियोलॉजी को काफी हद तक बदल लिया है। सत्तारूढ़ भाजपा ने पिछले 10 सालों में अपने आप में बहुत कुछ बदलाव किए हैं। आरएसएस ने भी अपनी मूल विचारधारा से हटकर कई मंचों पर अपना नया चेहरा पेश किया है। अब लक्ष्य सिर्फ यह रह गया है कि सियासत कैसे साधनी है और सत्ता कैसे हासिल करनी है। 5 राज्यों के चुनावों में से राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बंपर जीत मिली है, लेकिन चुनाव पहले से ही टिकटों को लेकर शुरू हुई रार के बावजूद यहां इतनी बड़ी जीत हुई और दिल्ली में नींद अभी भी उड़ी हुई है। दरअसल यहां अब मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होनी है, ऐसा मुख्यमंत्री जो 2024 की लड़ाई को साध ले, खेल नहीं बिगाड़ दे। मोदी की गारंटी के जैसा ही जीत की गारंटी देने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री का मामला राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा उलझा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान से लोकसभा की 25 और मध्य प्रदेश से 29 सीटें आती हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 11 हैं। लेकिन सीएम नियुक्त किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2 दिग्गजों को अपनी जमीन खिसकते हुए नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी कीमत पर किसी दूसरे को सीएम का विकल्प कैसे बनने दें। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ मुख्यमंत्री को लेकर मामला सबसे ज्यादा गर्माया हुआ है। यहाँ 6-7 मुख्यमंत्री के दावेदार नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा बाबा बालकनाथ ट्वीट कर खुद को सीएम की रेस से बाहर कर चुके हैं और इससे पहले वे वसुंधरा राजे को ही प्रदेश की लीडर मान चुके हैं। अब दूसरा चेहरा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का, जो इस दौड़ में सबसे आगे है। इसके अलावा एक और चेहरा है जो चर्चाओं में रहा है, वो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिड़ला के नाम भी चर्चाओं में रहे हैं। अगर राजनीतिक अनुभव की बात करें तो वसुंधरा राजे लंबे राजनीतिक करियर में 2 बार के सीएम का तजुर्बा भी रखती है, लेकिन आलाकमान से उनकी पुरानी अदावतें भी है। अपनी सॉफ्ट पॉलिटिक्स के चलते आरएसएस की पहली पसंद भी वे नहीं है। वे आलाकमान को कई बार बगावती तेवर भी दिखा चुकी है, लेकिन फिर भी दिल्ली से अंदर खाने की खबरें हैं कि वहां राजस्थान के सीएम को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन का माहौल है। यह असमंजस क्यों है, चलिए जान लेते हैं। दरअसल 3 राज्यों में जीत के बाद अब आलाकमान ऐसा मुख्यमंत्री राज्यों में नियुक्त करना चाहते हैं जिनकी लगाम केंद्र के हाथ में हो। खासतौर से राजस्थान में वसुंधरा राजे का विकल्प इसीलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे के कामकाज के तरीकों से आलाकमान हमेशा नाराज रहे हैं। राज्य की बेबाकी और केंद्र से सामंजस्य की कमी भी दिल्ली की सियासत को हमेशा खली है। लेकिन इसी के साथ आलाकमान को 2024 की चुनौती भी सामने नजर आ रही है कि आखिर 2024 के आम चुनावों को कौन जिताएगा, कौन नैया पार लगाएगा, कौन राजस्थान की 25 में से 25 सीटें दिलवा पाएगा। जबकि वसुंधरा राजे यहां बात गारंटी के साथ करती है। वसुंधरा राजे जैसी गारंटी लेने वाला कोई और है ही नहीं। हालांकि इस बार भी बीजेपी लोकसभा चुनाव हिंदुत्व कार्ड पर खेलने को आमादा है। 3 राज्यों की बंपर जीत ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस अब दोगुना भी कर दिया है। 22 दिसंबर से इसीलिए 25 जनवरी तक विकास भारत संकल्प यात्रा का आगाज भी होने वाला है। बीजेपी अगर इन चुनावों में हैट्रिक की लगाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे में बीजेपी की विजयी रथ में कोई रुकावट ना आ जाए, इसके लिए आलाकमान चिंतित है। अब चिंता यह है कि अगर राजस्थान में सीएम चेहरा कोई और उतार दिया और इस बीच वसुंधरा राजे कहीं बगावत पर उतर गई तो क्या होगा। दरअसल 50-60 विधायक वसुंधरा राजे के संपर्क में अभी भी लगातार है। जब उनके पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह के जरिए बाड़ेबंदी के आरोप लगे और उन्हें दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन उनके चेहरे पर लौटते वक्त मुस्कान और हाथ में विधायकों की लिस्ट के क्या मायने निकलते हैं। क्या वसुंधरा ने अपनी जमीन बचाने के लिए कोई नया पैंतरा फेंक दिया है, ये बहुत सारे सवाल 2 दिन की सियासत में साफ हो जाएंगे। फिलहाल राजस्थान में पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह को भेजा गया है, वही राजनाथ जो पहले वसुंधरा राजे का विरोध कर चुके हैं और वसुंधरा राजे ने तब विधायकों की परवेट भी करवा दी थी। लेकिन सवाल यह भी है कि वसुंधरा राजे का विकल्प ढूंढने में ये पर्यवेक्षक कामयाब हो पाएंगे भी या नहीं। चलिए, सियासी तलछट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।